हेलो एवरीवन, दिस इज मी लाइबा हफीज एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन अ ब्यूटीफुल डे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजे का होने वाला है क्योंकि हमारे घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है जिसके आने की हम थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं और वो है तैमूर का भाई बहन आने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मतलब कि हॉस्पिटल जैसा जाना है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए बैग वगैरह जो सेट करना है, बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों की नीड है, कौन सी नहीं, वो सारी आज हम सेट करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं निशा आपके रूम में, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने न्यू बेबी के लिए क्या क्या तैयारी किया है, कैसे बैग सेट किया है, सारा हॉस्पिटल का क्या किया। तो गाइस, हम यहाँ पे आ गए थे मोर बेबी के रूम में और यहाँ पे अब हम आप लोग बताते हैं कि अली शापी ने क्या सब कुछ तैयार किया। यहाँ पे सब कुछ हमने रख दिया है, सेटिंग वेटिंग कर ली है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम बैग कैसे पैक कर रहे हैं। वेयर इज बैग, पहले हमें बैग दिया जाए। तो गाइस, बेबी की अम्मा को थोड़ा सा कष्ट देते हैं। ये आ गया बैग। बैग में अब सबसे पहले हम लोग रैपिंग शीट वगैरह, टॉवल वगैरह या फिर जो कंबल वगैरह हमने उसका रखना है, उससे पहले हम वो रखेंगे नीचे, वो आ गए। तो सबसे पहले है ये वाली रैपिंग शीट, ये हमने पीच कलर का लिया। ये भी हमारे डिसाइड में काफी हुआ था, कोई कह रहा था पिंक लो, कोई कह रहा था व्हाइट लो, सो ये हमें पीच कलर अच्छा लगा। हमने कहा क्या पता कुछ जेंडर भी तो चेंज हो जाता है ना, तो दोनों को चल जाएगा। क्योंकि ना मैं आजकल के डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है ना, सारे तो प्राइवेट करते हैं, कोई अब अपने मैरिट पे बने तो बात है ना। सो गाइस, ये हो गया। उसके बाद ये कंबल है, ये भी हमने इसके साथ हमने ड्रेस में मैचिंग भी लिया है, क्योंकि जो फर्स्ट डे पे हमने कहा रैपिंग शीट और ड्रेस मैचिंग, मतलब कि एक जैसा वो कॉम्बो में हमने बनाया है। तो उसके साथ जो पीच कलर में हमने ड्रेस लिया, वो ये छोटू सा प्यारा सा ड्रेस है, ये देखें। और ये इसका देखें, एक अच्छी इसकी जो निकल है ना, ये मतलब कि ना इस डिजाइन में ताकि जो पैम्पर डाइपर है ना वो इजीली अंदर फिक्स आ जाए, क्योंकि वैसे भी छोटे बेबी तो बहुत छोटे होते हैं, मुझे लगता है ड्रेस पे उसके लिए बड़ा ना हो जाए। तो अब देखते हैं कि जब वो आएगा तो फिर क्या सीन है। खैर, अब आपने ये देख लिया, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ बैग, हम बाद में पैक करेंगे। उसके बाद हमने ये इसके ग्लव्स हैं, ये भी पीच कलर के साथ मैचिंग ही हमने लिए हैं। ये कैप आ गया, ये शर्ट के साथ मैच है, पीच मतलब हमने फर्स्ट डे पीछी पीछी उसे बना देना है ना। ये है ये वाला कंबल, आपने देख ही है। और साथ पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने ये आबी जमजम की एक बोतल ली है, हम इसको मतलब ये वाटर पानी उसे पिलाएंगे, उसके बाद जो भी उसे गुड़ती देगा उसके लिए हमने हनी भी लिया है, गुट्टी, सॉरी गुट्टी नहीं, गुट्टी होता है गाइस। तो फिर ये हनी है, और हनी के साथ हमने ना एक स्पून है, वो स्पून की भी लिया है, वो स्पून मतलब कि वही जब तैमूर बेबी हुआ था तैमूर को भी उसी से मतलब कि गुट्टी दी गई थी, तो अब हमने कहा जो उसकी बहन या फिर भाई जो भी अब होंगे तो उसको भी। उसके बाद जॉनसन्स का लोशन पाउडर है गाइस, सॉरी। और ये मतलब ये फुल एक पैक है, इसमें क्रीम है, ये सोप है, और ये जॉनसन है, ये शैम्पू है। ये भी एक पैक ले ले, ये भी हम साथ रखेंगे। और ये फीडर लिए हमने, दो फीडर हमने लिए, ये छोटू अभी है ना, तो हमने उसके मतलब के उस हिसाब से फीडर लिए। एक फीडर ये है, हाँ, एक में आप जमजम खाला ने कहा, एक में आप जमजम लेंगे। ये शीशे का है, ये शीशे का है, और ये ठीक है, ये आप तैमूर का साथ देखते जाए तैमूर क्या कर रहा है। और फिर ये आ गया है, वाइप्स आ गए हैं, ताकि बेबी का मतलब के फुल बॉडी उसे बनाना है। वैसे तो उसे नहलाते हैं ना, तो उसके बाद चलो हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, किसी और बच्चा काम भी तो खराब कर देता है। और ये हमने पैम्पर रख लिया है यहाँ से, इसके अंदर से दो तीन डायपर निकाल के हम अपने बैग में भी रख लेंगे, क्योंकि हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम हर चीज़ रखेंगे। अब बैग पैक करना मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें जो रखनी है, अभी तो मतलब कि ओवरऑल मैं आपको सब दिखा रही हूँ कि हमने छोटू बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की। उसके बाद बीब्स आ गई हैं, एक बीब ये है और एक ये प्यारी सी बीबी। अब ये बीबी देख के आपको पता लग गया होगा कि बेबी है या फिर बाबा है। उसके बाद एक ये ड्रेस है पिंक कलर से, आपको फिर पता लग गया होगा। ये तो कौन सा साइज है? ये भी 3 मंथ वाला, ये 3 मंथ वाला, ये अभी तो नहीं, हमने बस से तो शॉपिंग की है। ये तो फ्री है, ये भी उसी बार वाला दिया था। उसके बाद तो मतलब कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी लिए हैं साथ, ताकि जब और भी ड्रेसेस की जरूरत पड़ जाती है, जरूरी तो नहीं कि हमारा एक दिन का ही स्टे हो हॉस्पिटल में, चेंज भी करने पड़ जाते हैं। तो एक ड्रेस ये पिंक कलर का, पिंक कलर का मेरे लिए आई लव मोमेंट है। और उसके बाद ये एक वाइट कलर का है, वाइट कलर तो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों के लिए, तो एक ये वाइट है। इसके साथ वाइट कैप भी ली थी, वो पड़ी है, ये वाइट कैप है।
तो हमने एक पीच कलर की रैपिंग शीट और एक पीच कलर कर लिया, और एक हमने एक ग्रीन कलर की कॉम्बो किया है उसके साथ। हम ये रैपिंग शीट है ग्रीन कलर में, उसके साथ ये ग्रीन कलर का ड्रेस है, और ऐसा ही सेम ड्रेस ना जब तैमूर हुआ था तब हमने उसके लिए लिया था, वो था ब्लू कलर का, तो हमने ये ग्रीन कलर का भी लिया था। और इसके साथ ये कैप है, ओह ये तो दिखाया नहीं गाइज आपको, ये टॉवल, ये मुंह साफ हैंगीज है, हैंगीज है, देखो मुंह साफ करने वाला मैं कहने की थी गाइज। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है आपको तो पता है, क्योंकि अभी मुझे पता सिर्फ मेरी दोस्तें वगैरह और मेरे जानने वाले देखने वो सब जानते हैं कि मेरी इंग्लिश कितनी बुरी है। सो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ हमने लिया है, अब उसकी मामा जो सी है ना वो हमें बताएंगी कि वो कैसे बैग सेट कर रही हैं, सबसे पहले क्या रख रही हैं, उसके बाद सब कुछ क्या सिस्टम कर रही हैं, तब मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं तैमूर की मामा के पास, तो हमें बता रही हैं कि वो कैसे कर रही हैं सेट। चलें जी, सबसे पहले ये बैग है, बैग के अंदर आप देख लें ये भी एक पॉकेट है, यहाँ पे साइड पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, और अगर हम फ्रंट पे देखें तो एक ये फीडर वगैरह रखने के लिए देखिए उन्होंने फुल ये बनाया हुआ है, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ रखनी है तो एक अलग उन्होंने जिप वगैरह दी हुई है। सो एक अंदर भी जिप है, ये स्मॉल सी जिप अंदर भी उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे भी कुछ रख लें। सो ये हमारा है बैग, साइड पे भी है कि कोई बॉटल वगैरह वाटर की रखनी हो तो वो रख सकते हैं, गर्म पानी की रखनी हो तो ऐसे। ये हमारा फुल बैग है, अब इसमें अलीशा आप कैसे रखती हैं चीज़ें, वो हमें ऑर्गेनाइज कैसे कर रही हैं इस बैग को वो हमें बताती हैं। सबसे पहले ये उन्होंने शीट रख ली है ताकि जो डायपर वगैरह हम बेबी का चेंज करना हो तो ये शीट पर चेंज करें। उसके बाद हम रख रहे हैं ये ब्लैंकेट है एक अदद, ताकि मतलब कि बच्चे को तो अब गर्मी सर्दी तो लगेगी, वो छोटा होगा हमें कौन सा बता सकेगा, वैसे तो सर्दी ही लगेगी क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह चल रहा होगा, तो हमने इसलिए एक ब्लैंकेट भी साथ रख लिया है। उसके बाद हम रैपिंग शीट रख लेते हैं, ये है, अच्छा ये एंड में रख लेंगे, चले वो एंड में रखेंगे। उसके बाद हम रख रहे हैं जो एक्स्ट्रा ड्रेसेस वगैरह हमने लिए हैं, क्योंकि चेंज वगैरह भी करना पड़ जाता है, उसके बाद हम वो ड्रेसेस वगैरह रख रहे हैं, तो ये हम ग्रीन कलर वाला ड्रेस अंदर रख रहे हैं। इसकी रैपिंग शीट किधर है? ग्रीन रैपिंग शीट किधर है? तो बेबी भी पैकिंग करवाने आए हैं, वो कह रहा नागरो पैकिंग, बस अब कुछ मिल गया मुंह में डालेगा ये की तैमूर की कह दो, तैमूर नहीं की कह तो बस ये अब ग्रीन रैपिंग शीट इसके साथ, हाँ ये इसके साथ ड्रेस आ गया उसका, ये रख लेते हैं अंदर। इसके बाद ऐसे डायपर रखने लगे हैं, डायपर का फुल पैक नहीं रख रहे, बस दो तीन निकाल के अंदर वो रख रहे हैं, ये निकाल लिए हमने डायपर, पांच हैं छः हैं बल्कि, ये रख देते हैं अंदर। ये अब आपकी मर्जी है कि आप कितने मर्जी रखें, जितने दिनों के हिसाब से आपका स्टे है आप उस हिसाब से रखें, तो हमें तो तीन लगेंगे तो इसलिए हमने छः रख लिए। सो अब हमने डायपर रख लिए इस साइड पे, ये जो पॉकेट थी साइड इसमें हमने डायपर रख ली है, उधर रैपिंग शीट रख ली है। अब ये हम लोगों की जो सी है फर्स्ट डे वाला ड्रेस हमने जो डिसाइड किया पीच कलर का, उसकी रैपिंग शीट है वो रख लेते हैं। ये अब उसके साथ हमने ड्रेस जो मैच किया जैसे मैंने आपको दिखाया, अब वो रख लेते हैं। ऐसे हम लोग ने सारी चीज़ें अंदर सेट करके रखी था, ये कैप भी रखने लिशा भी होते मोर के हैंड में, ये उसके साथ की कैप ग्लव्स, अब ये चीज़ें आ गई हैं, अब ये जमजम वगैरह पाउडर हनी फीडर ये पड़ा है, फीडर हम इधर फ्रंट पॉकेट में, दूसरा फीडर अच्छा तो ये है दूसरा, ये हमने दो फीडर रख ली हैं यहाँ पे, कह रहा हूँ ना तो बंदा एक बैग में काफी चीजें रख सकता है, तो ये बैग मुझे काफी अच्छा लगा है क्योंकि इतने सारे पॉकेट्स हैं, एक साइड पे बंदा फीडर रख ले, एक साइड पे और चीजें रख ले, ऐसे भी हम सब रख रहे हैं, तो आप भी साथ साथ देखें। इस यहाँ पे हमारा बैग हो गया पैक, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ना बास्केट हमने उसके लिए उसके चाचू ने भेजी है दुबई से, उसके अंदर उसको सिलाएंगे, अगर आपको खाला की आवाज़ आई है तो आपको समझ आ गई होगी, उसके अंदर हम उसको सिलाएंगे। तो बस अब मैं आपको वो बॉक्स दिखाती हूँ कि वो, हाँ
खाला ने क्या है, खाला ने क्या है कि अब बेड पे तो मम्मा सोएंगी तो उसने भी तो कहीं सोना है, तो उसके लिए जो हमने बास्केट लिया मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो गाइज ये जूनियर्स वालों की ना जो है कभी जो मुझे अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या बता रख लें, तो मैं आज उनकी एक दफा पहले करी मुफ्ती में। तो ये बास्केट है जो वहाँ से ना दुबई से उसके चाचू ने भेजी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे की है। वैसे तो मैंने देखी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। वाइट कलर में है, लेकिन हमने तो पीच ड्रेस ले ली है। सो खैर छोड़े, अब जो हो गया सो हो गया। ये ऐसे आएगी? हाँ ऐसे। ओ ये ऐसे आएगी, अच्छा। सो गाइस हमने जो बास्केट है उनके चाचू ने भेजी है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। उसकी अनबॉक्सिंग मैंने भी की है, तो उसमें यहाँ पे एक साइड जिप है, यहाँ से ऐसे फुल खुल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे मंदिर अपना बेबी लिटाएंगे, उसके बाद यहाँ से दोबारा इजीली मंदिर के बंद हो जाएगी। ये नहीं कि यहाँ से अंदर कुछ आए, आप प्लीज़ जिप खोल लें। ऐसे और ये उसके ऊपर वाली, और ये भी जिप के साथ ही बंद होगा। जिप कहाँ है इसकी? इधर होगी ना, देखो इधर। ये थी हमारी सारी पैकिंग, हमने सारी चीजें पैक करनी है। अब आप जल्दी जल्दी वो व्लॉग आने वाला है जिसमें आप बेबी को भी देख सकेंगे। तो बस आप सब दुआ करें कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। आमीन आमीन। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं आपकी व्लॉगर लाइफ। थैंक यू, बाय।